चंद्र मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MT11 प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स के अंतर्गत दिसंबर 2011 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ, जो कि स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस पर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 10, वेरियंस इज 16, द स्क्यूनेस SK4 इज +1 एंड कुर्टोसिस B2 इज 4, ऑब्टेन द फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट द ओरिजिन डेट इज 0, कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी भी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, किसी भी पॉइंट के अबाउट, जैसे मान लेते हैं पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट का फॉर्मूला हमें क्या होता है, 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस ए, ठीक है, ऑल टू द पावर n, यहाँ पर n, ठीक है, nth मोमेंट किसी भी पॉइंट ए के अबाउट nth मोमेंट हमें इसी फॉर्मूला से निकलता है। ठीक है, म्यू एन डैस ए इज इक्वल टू 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस ए ऑल टू द पावर n। ठीक है, तो हमें यहाँ पर किसके अबाउट हमें निकालना है मोमेंट्स, फर्स्ट फोर मोमेंट्स, तो जीरो के। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं पहला मोमेंट। ठीक है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट जीरो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस, क्योंकि जीरो के अबाउट हम यहाँ मोमेंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ ए की जगह जीरो और n का वैल्यू क्या है, 1 है फर्स्ट मोमेंट, यहाँ n की जगह 1, तो 1/n सिग्मा एफ इसका वैल्यू x हो जाएगा, तो सिग्मा एफ एक्स, तो यह 1/n सिग्मा एफ एक्स किसका फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें मीन का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 10, तो इसलिए इसके इक्वल में हम यहाँ क्या लिख देंगे 10। उसके बाद हम दूसरा मोमेंट निकालेंगे, सेकेंड मोमेंट अबाउट जीरो, तो सेकेंड मोमेंट अबाउट जीरो निकालने के लिए हम सेंट्रल मोमेंट, ठीक है, और मोमेंट अबाउट जीरो, सेकेंड मोमेंट अबाउट जीरो उसका बीच में जो रिलेशन होता है उसका सहारा लेंगे। ठीक है, यह है सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन। ठीक है, तो सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू यहाँ पर क्या, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश ऑल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू टू क्या है, म्यू टू सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन है, और सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन जो होता है वो क्या होता है, वेरियंस होता है। ठीक है, तो वेरियंस का वैल्यू हमें यहाँ पर दिया हुआ है 16, तो यहाँ 16 इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर, तो म्यू वन डैश का वैल्यू हमें निकला हुआ है 10, तो 10 स्क्वायर, तो यहाँ 16 इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस 100, तो यहाँ 16 इसे इधर लाएंगे प्लस 100 इज इक्वल टू म्यू टू डैश इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 116 इज इक्वल टू म्यू टू डैश, यानी म्यू टू डैश इज इक्वल टू 116, तो ये दूसरा मोमेंट हो गया जीरो के अबाउट। ठीक है ना, हमें चार मोमेंट निकालना है, फर्स्ट फोर मोमेंट्स। इसके बाद अब म्यूट डैश निकालेंगे, यानी थर्ड मोमेंट अबाउट जीरो, तो इसके लिए हम किसका सहारा लेंगे, स्क्यूनेस का सहारा लेंगे। ठीक है, SK4 इज इक्वल टू म्यू क्यूब बाई सिग्मा क्यूब, तो यहाँ ये म्यू क्यूब क्या है, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। ठीक है ना, और सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पर SK4 इसका वैल्यू 1 हमें दिया हुआ है, और यहाँ पर म्यू क्यूब म्यू 3 बाई यहाँ पर सिग्मा क्यूब, सिग्मा अगर हमें सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है, वेरियंस को हम सिग्मा स्क्वायर के द्वारा शो करते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो उस आधार पर सिग्मा क्यूब यानी 4 क्यूब, तो यहाँ म्यू क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64। ठीक है, इस तरह से म्यू क्यूब निकला। अब इसी की सहायता से हम म्यू 3 डैश निकालें, यानी थर्ड मोमेंट अबाउट जीरो, तो यहाँ रिलेशन हमें इसे ध्यान में रखना होगा, म्यू 3 इज इक्वल टू म्यू 3 डैश माइनस 3 म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश प्लस 2 म्यू 1 डैश। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू 3 की जगह म्यू 3 डैश माइनस 3 इंटू म्यू 1 डैश का वैल्यू निकला हुआ है 10, म्यू 2 डैश का भी वैल्यू निकला है 116 प्लस 2 इंटू म्यू 1 डैश का वैल्यू 10 क्यूब। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो हमें यहाँ पर म्यू 3 डैश का वैल्यू 1544 मिलता है। ठीक है, यानी कि हमें थर्ड मोमेंट अबाउट जीरो प्राप्त हो गया। अब फोर्थ मोमेंट अबाउट जीरो निकालेंगे, तो इसके लिए हम किसका सहारा लेंगे, कुर्टोसिस का सहारा लेंगे। B2 इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू 4 बाई सिग्मा 4, ठीक है, सिग्मा 2 की पावर 4, तो
यहाँ b2 का वैल्यू हमें दिया हुआ है, कुर्टोसिस का वैल्यू दिया हुआ है 4, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू 4 बाई सिग्मा का वैल्यू 4 है तो 4 टू डी पावर 4, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 टू डी पावर 5 इज इक्वल टू म्यू 4, तो इस तरह से म्यू 4 यानी कि फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन का वैल्यू निकला। अब इसी की सहायता से फोर्थ मोमेंट अबाउट जीरो निकाल लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूला की सहायता से हम इसे निकाल लेंगे, म्यू 4 डैश इज इक्वल टू म्यू 4 प्लस 4 म्यू क्यूब म्यू 1 डैश प्लस 6 म्यू 2 म्यू 1 डैश स्क्वायर प्लस 4 म्यू 1 डैश क्यूब प्लस म्यू 1 डैश टू द पावर 4। सभी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, पुट करने के बाद यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, म्यू 4 डैश का वैल्यू 23,184। तो सिंस म्यू 3 इज इक्वल टू 64, म्यू 3 का वैल्यू हमें क्या निकला है, 64 निकला है जो कि 0 से बड़ा है, तो अगर हमें म्यू 3 का वैल्यू 0 से बड़ा मिलता है तब उस स्थिति में वह डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और उसके बाद b2 यानी कुर्टोसिस का वैल्यू 3 से बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन 3, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह डिस्ट्रीब्यूशन जो है लेप्टो क्या है, कुर्टिक है। ओके स्टूडेंट्स।